हाय एवरीवन, स्वागत है आपका रसोई विद गपशप में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम की सब्जी। कढ़ाई मशरूम बनाएंगे हम। उसके लिए मैंने एक पैकेट मशरूम ले लिया है, लाल पीली और हरी शिमला मिर्च ले ली है, एक प्याज को डाइसेस करके ले लिया है, एक प्याज छोटा छोटा काटा है, और दो टमाटर 10-15 तुली हमने लहसुन की ली है, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और एक हरी मिर्च, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम मशरूम को धो लेते हैं अच्छी तरह से खुले पानी में। दो तीन मशरूम को हमने धो लिया है, पानी से सुखा लेंगे, थोड़ा ज्यादा देर तक इसको पानी में नहीं रखेंगे, थोड़ा पोंछ लेंगे इसको। डंडी को काटते हुए दो पीस कर लेंगे, छोटे हैं तो दो पीस कर लीजिए, बड़े हैं तो इसके 3 पीस कर लीजिए। बहुत ही हेल्दी सब्जी बनती है। कढ़ाई पनीर तो आपने खाई होगी बहुत, एक बार ये कढ़ाई मशरूम भी बना के देखिए, बहुत ही बढ़िया सी सब्जी बन के तैयार होती है और झटपट से बन जाती है और न्यूट्रिशियस तो है ही। मशरूम को हम थोड़ा ऑयल और बटर में सौते कर लेंगे, और ये टमाटर और लहसुन और अदरक और हरी मिर्ची का हम पेस्ट बना लेंगे। कढ़ाई में हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें बटर डाल देंगे, मशरूम डाल के 2-3 मिनट के लिए तेज आंच पे हम इसको सौते कर लेंगे। इसके साथ ही हम ये हमारे डाइस किए हुए प्याज, शिमला मिर्च हमारी तीनों तरीकी, इनको भी हम हल्का सा सौते कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पनीर भी डाल देंगे, पनीर को भी हल्का सा इसके साथ ही सौते कर लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे काली मिर्ची। अच्छे से मिक्स करके इनको हम निकाल लेंगे। तो ये इसे ग्रेवी बनाते हैं। 1 चम्मच ऑयल और डालते हैं इसके अंदर, और हम इसके अंदर हमारे कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याजों को ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब पीस के रखते हैं। इसमें हम ये टमाटर का मिक्सचर डाल देंगे जो हमने ग्राइंड किया था। इसके साथ ही डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। ग्रेवी को अच्छी तरह से मसाले के साथ थोड़ा सा भूनते हैं। 1-2 मिनट टमाटर के साथ भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे सूखे मसाले, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हम इसमें धनिया के डाल देंगे। मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ। टमाटर को अच्छी तरह से ऑयल रिलीज होने तक भून लेंगे। देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, पानी रिड्यूस हो गया है और ऑयल भी रिलीज कर दिया। देखिए साइडों में थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, तो इसे क्रश करके 1-2 मिनट चलाने के बाद गैस बंद कर देते हैं हम। जब मसाला थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसमें हम 1/2 कटोरी दही डालेंगे, और साथ में मैंने 1 चम्मच मलाई भी ली है इसके अंदर, इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसमें डाल देंगे और इसको चलाते रहेंगे। गैस को ऑन कर देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि एक बॉईल नहीं आ जाता। दही घर का जमा हुआ है, ज्यादा खट्टा नहीं है, ज्यादा खट्टा दही ना डालें इसके अंदर, क्योंकि हमने टमाटर भी डाले हैं इसके अंदर। 1-2 मिनट दही को भी मसाले के साथ भून लेंगे, थोड़ा ऑयल रिलीज कर देंगे। आप ग्रेवी वाली सब्जी जो भी बनाते हो उसका मसाला हम जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे सब्जी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। इसमें जल्दबाजी ना करके आराम से इसको भूनिए। ये देखिए मसाला भून गया है, ऑयल भी रिलीज कर दिया है ग्रेवी ने। ये देखिए इसके अंदर हम हमारी
वेजिटेबल और मशरूम डाल देंगे। मशरूम छोटे हों तो उन्हें थोड़ा और बड़े साइज में काटेंगे। देखिए भुनने के बाद बहुत ही छोटे छोटे हो जाते हैं तो फिर दिखते नहीं है, बहुत छोटे हों तो उसे साबुत भी रख सकते हैं। आंच को धीमा करके 5 मिनट के लिए हम इसको ढक के कुक कर लेते हैं ताकि सारे मसाले हैं वो जो सब्जियों के अंदर इन्फ्यूज हो जाएं। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, बढ़िया सी हमारी कढ़ाई मशरूम बनके तैयार है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ये थोड़ी और गाढ़ी होगी अभी ग्रेवी ठंडा होके। इसके ऊपर डाल देंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया और एक चुटकी हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। देखिए बढ़िया सी हमारी सब्जी तैयार हो गई, प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी हमारी कढ़ाई मशरूम बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। एक बार ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें और इंजॉय करें। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय, खुश रहिए।